सराची हमारे साथ हैं। बांसुरी जी, सबसे पहले तो आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ, महिला सशक्तिकरण की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लाई, चाहे संसद की बात करें, खेल की बात करें, घर की बात करें, किस तरीके से देखें। ये भारत के सुझावों का संकल्प पत्र है, भारत की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है, भारत की अपेक्षाओं का संकल्प पत्र है, एक विकसित भारत का संकल्प पत्र है जिस पे गारंटी है मोदी जी की, और मोदी जी की गारंटी सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। यही तो अंतर है। विपक्ष जो है वो शक्ति विरोधी है, और भाजपा मात्र शक्ति को, नारी को नारायणी के रूप में देखता है। इसीलिए आप देखिए, नमो ड्रोन दीदी का विस्तार हो रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस बार लागू होगा, लखपति दीदी की जो योजनाएं, 1 करोड़ की जगह टारगेट अब 3 करोड़ लखपति दीदी का बन गया है, और मातृशक्ति ही हमारा योगदान देगी, और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन जिस तरीके से ये योजनाएं, इन योजनाओं की बात हुई है, महिला खिलाड़ियों की बात करें, घर में अब पाइप के द्वारा गैस पहुंचाई जाएगी, ड्रोन दीदी और कई सारी जो बहुत योजनाएं हैं, उसके बाद जो पार्लियामेंट में जो बात की है महिलाओं के सशक्तिकरण की, जो बिल पास किया था, उसके बाद क्या लगता है जब आपको टिकट दिया और महिलाओं को, क्योंकि दिल्ली में 7 सीटों में से 2 महिलाओं को दिया है, तो और ज़्यादा जो है वो सशक्त अपने आप को महसूस कर रही है, क्योंकि योजनाएं भी इतनी सारी महिलाओं की बातें कर रहे हैं। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने से पहले ही मोदी जी ने दिल्ली में 7 सीटों में से 1 नहीं बल्कि 2 मातृशक्तियों को खड़ा करा है चुनाव में, मुझे और मेरी आदरणीय, मेरी प्यारी कमलजीत सहरावत जी, जो मेरी बड़ी बहन है। मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। चलिए, बांसुरी स्वराज हमारे साथ थी, जो बोल रही है कि मोदी जी के संकल्प पत्र में महिला सशक्तिकरण के ऊपर खास तौर से फोकस किया गया, और यही खास बात है, मोदी जी को जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मधुर के साथ कोमल शर्मा।